Assalamualaikum नाज़रीन, गुड इवनिंग. यू वाचिंग द अदर साइड. आई एम अलीना शिकरी. नाज़रीन, सबसे पहले आई विल क्विकली इंट्रोड्यूस माय गेस्ट पैनल और उसके बाद आई विल क्विकली हाईलाइट द पॉइंट्स ऑफ रिव्यू ड्यूरिंग द डिस्कशन. हमारे साथ स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, ने सीनियर दिफाई तज्जिया कर रहे हैं. जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट. उनके साथ तशरीफ रखते हैं तारिक पीरज़ादा साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं. तारिक पीरज़ादा साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हियर. एंड अब्दुल्ला गुल साहब जो कि पोलिटिकल डिफेंस एनालिस्ट हैं. अस्सलामु अलैकुम अब्दुल्ला साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. एंड नाउ मैं हाईलाइट करती चलूँ कि आज हम बात करेंगे जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई इन न्यू दिल्ली, उसके बाद साइडलाइंस, उसके साइडलाइंस पर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी एजाज चौधरी साहब, उनकी मुलाकात हुई अपने काउंटर पार्ट से, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से. और उसमें बाद में जो नतीजा अखज करने को मिला वो ये था कि जी वो खुद भी बल्कि उन्होंने कहा कि नो ब्रेक थ्रू, कोई सेलिब्रेशन के लिए हमारे पास रीजन नहीं है. इवन दो कि आप होप्स अपनी फिर भी अटैच कर सकते हैं डायलॉग्स की रिजम्पशन के हवाले से. इंडिया ने बहरहाल कंसर्न्स जो रेस किए, और इंडिया ने भी कहा कि इट्स जस्ट अ कर्टसी कॉल. जो कंसर्न्स इंडियन साइड से रेस किए गए वो कुछ थे कि पठानकोट के हवाले से, 26/11 इन्वेस्टिगेशन के हवाले से काउंसिल एक्सेस चाहते हैं वो कुलभूषण यादव तक जो रसाई चाहते हैं, और पाकिस्तान साइड से जो तमाम चीजें जो हाईलाइट हुई वो भी मैं बताती चलूँ कि इंडिया की जो इंटरफेरेंस है बलूचिस्तान और कराची में उस पर हाईलाइट किया गया. और पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब, उन्होंने बहुत दो टोक अंदाज में भारतीय अपने हम मनसब को वाजे कर दिया कि ये कौमी सलामती का मामला है. बड़ा इस चीज को अप्रिशिएट किया गया, लेकिन हाउ एवर डेडलॉक अपनी जगह, ब्रेक थ्रू कोई नहीं नजर आता. क्या रिजर्वेशंस हैं और हमारे अब सीनियर जो एनालिस्ट का हमारा पैनल है वो किस तरह से इस मुलाकात को देख रहे हैं, और क्या आगे हमें कोई उम्मीद इसके साथ अटैच करनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि रेगुलर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उन्हें चाहिए सो दैट कि हम एक राह हमवार होते हुए देख सके. इसके साथ साथ ही जो हमें यहाँ पे ये भी मेंशन कर चुके हैं, आज के प्रोग्राम में हमने बात करेंगे F-16 फाइटर जेट्स जो पाकिस्तान को मिलने हैं US की तरफ से, जो पाकिस्तान ने खरीदने हैं, उस पर भी मामला कुछ अब हमें बहुत पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि US के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं एश्टन कार्टर, ही रिसेंटली विजिटेड इंडिया अर्लियर दिस मंथ, और इंडियन साइड ने काफी ज्यादा कंसर्न इस बात पे. इंडिया के लिए एक मेजर कंसर्न इस वक्त ये है कि पाकिस्तान ये F-16 तैयारें खरीदने जा रहा है अमेरिका से. और उसके बाद फिर कुछ इस तरह की बात सामने आई कि अमेरिका में कांग्रेस ने रिफ्यूज कर दिया है फंडिंग फॉर दिस डील, और अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को एक एडिशनल $700 मिलियन की अमाउंट पे करने पड़ेगी, यानी कि जो 2.5 times ज्यादा है अपनी ओरिजिनल उसकी कॉस्ट से. पाकिस्तान इस चीज की तरफ, इस डील की तरफ जाना उसका कितना जरूरी है, और सेकेंडली इस पर जो ये ऑपोजिशन आ रही है और अमरीका की जानब से अब ये जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट की जा रही है, क्या ये इंडियन दबाव है जिसकी वजह से हो रहा है, आज हम इस मामले में बात करेंगे. हमारे जो स्टूडियोज में गेस्ट है, मैं डिस्कशन का बाकायदा आगाज करती हूँ. जनरल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज होगा. जनरल साहब, इस हफ्ते जो मुलाकात हुई और पठानकोट के बाद ये पहली मुलाकात थी फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पर, किस तरह से सर आप इस मुलाकात को देख रहे हैं? इवन दो के आगे एजाज चौधरी साहब ने क्लियरली बोल दिया इस बात को कि देयर वाज नो ब्रेक थ्रू, आप उम्मीदें अटैच करना चाहें तो कर सकते. देखिए, मुलाकात जब भी हो, कभी भी हो और किसी भी हालत में हो, वो थोड़ा सा एक मौका आपको ज़रूर दे देती है जहां आप अपने कुछ ख्यालात दूसरे तक पहुंचा देते हैं और दूसरे के भी सोच का अंदाज़ा हो जाता है कि वो क्या कह रहा है. इससे आपको मदद मिलती है आइंदा का रास्ता सोचने के लिए. लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि फॉरेन सेक्रेटरीज एक साइड लाइन्स पे मीटिंग करें और वो भी एक 1.5 घंटे की, और उसमें कोई ब्रेक थ्रू होगा, वो मैं समझता हूँ वैसे भी मुनासिब नहीं था. कम से कम ये एक्सपेक्टेड था कि शायद ये आइंदा के लिए कोई डेट मुकर्रर कर लें कि अच्छा जी फॉरेन सेक्रेटरीज इकट्ठे होंगे फलां वक्त पे और ये बातचीत करेंगे. लेकिन बदकिस्मती ये है कि इंडिया ऑब्सेस्ड है एक ही चीज़ से कि जी वो आपसे हमेशा बात करे कि हमारे यहाँ जो टेररिज्म हुआ उसका पहले कुछ हो तो फिर. अब चीज़ यह कि ये वाजे है कि इंडिया हमेशा गुफ्तगुशनी से, नेगोशिएशन टेबल से फरार चाहता है, पाकिस्तान नहीं चाहता रहा. पाकिस्तान ये कैसे कर सकता है कि जब इतनी कोशिश के बाद अगर आपको नेगोशिएशंस का कोई मौका मिल रहा है, बन रही है बात, तो आपको एक्ट ऑफ टेररिज्म करा के तो उसको ख़त्म करा दें. ये कोई ऐसा रास्ता है जो कि या तो इंडियंस करते हैं कोई फ्लैग ऑपरेशन, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और अगर वो नहीं करते तो कोई टेररिस्ट ग्रुप है जो इंटरेस्टेड है. अब नेगोशिएशंस मुनकता करने से तो टेररिस्ट जो हैं उनका मकसद पूरा हो गया. अगर वो ये नहीं चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान की गुफ्तगू ना हो, तो जीत उनकी हुई टेररिस्ट की.
سو عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ اگر آپ ٹیررسٹ کو شکست دینا چاہتے ہیں تو آپ گفت و شنید آگے جاری رکھیں. بالکل. اس کی بجائے گفت و شنید منقطع کر کے ہندوستان جو ہے وہ ایک کارنر میں بیٹھ گیا. بالکل ٹھیک. کہ جی ہم بات نہیں کرتے جب تک کہ یہ نہ ہو. اب اس میں پاکستان اپنے طور پہ پاکستان نے بہت میں سمجھتا ہوں آگے نکل کے قدم بڑھا کے تو بات کی کہ پہلے تو پرائم منسٹر نے رنگ کیا, مودی صاحب کو یقین دہانی کرائی, پھر یہ جو ٹیم گئی یہ پورے شواہد وغیرہ دیکھتی رہی. اب اگر ایک انڈیپینڈنٹ ٹیم جا کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہاں پہ جو شواہد آپ نے دکھائے ہیں ان میں سے یہ کہیں آپ کو نظر نہیں آتا کہ جو لوگ یہاں پہنچے تھے جنہوں نے کیا وہ پاکستان کی سائڈ سے آئے تھے, کیونکہ کوئی ایسے شواہد آپ نہیں دکھا سکے, تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ پاکستان میں کسی کا ٹرائل کر کے انڈیا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, بالکل صرف ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کسی کو ایسے پھانسی پہ لٹکا دیں, یہ ہو نہیں سکتا. اب اس میں عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ بات چیت کے لیے کوئی راستہ آگے بناتے. اگر آپ نے نہیں بنایا تو یہ ڈیڈ لاک تو اسی طرح چلا ہی آ رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے, اور پھر اس میں غلط فہمیاں بڑھتی ہیں. آپ پہلے مسائل حل نہیں کر سکے کہ نیا کچھ اور نکل آتا ہے. بامبے کا قصہ چل رہا تھا, پٹھان کوٹ نکل آیا اتنے سالوں بعد. سر وہ انڈیا کا پھر یہ اس طرح کا ریاکشن ایک کانسٹنٹ ہمیں نظر آئے گا. طارق پیر زرہ صاحب, پاکستان جتنا چاہتا ہے کہ جی دونوں کے درمیان جو ریلیشنز ہیں وہ نارملائز ہوں, لیکن انڈیا جو ہے وہ بار بار اس بات پہ بھی اور جو پبلکلی ان کے میڈیا میں بھی جب یہ بات سرکولیٹ کرتی ہے کہ انڈیا از ویری مچ انٹرسٹڈ ان نارملائزنگ ٹائز وتھ پاکستان, بٹ جی پہلے ٹیررزم کی بات ہوگی تو جو ساتھ ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے وہ یہ اپنی ایک اپنا انٹرسٹ لیول. آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات آگے بڑھ پائیں گے اس طرح سے؟ دیکھیے مذاکرات کو بڑھانا ہندوستان کے مفاد میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر پر ان کے قبضے کے جو 68-69 سال ہو گئے ہیں اور جو جوں کی توں صورتحال سٹیٹس کو کی موجود ہے وہ انڈیا ہندوستان کے حق میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے کشمیر کے مسئلے پر سیاسی سفارتی اخلاقی سطح پر ایک دبیز گرد کی تہہ جو ہے اس مسئلے پر دبتی چلی جا رہی ہے, اور جس کے پاس قبضہ ہوا کرتا ہے وہ عام زمینوں کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں پاکستان میں, وہی اس کا حقیقی مالک ہوا کرتا ہے. تو عالمی سیاست میں یہ بات اس سے کہیں زیادہ درست ہے. اسرائیل سے شروع کر کے کشمیر تک تمام واقعات آپ کے سامنے ہیں, یہاں تک کہ گوانٹانامو بے جو کہ امریکیوں نے واپس کرنا ہے کیوبا کو, وہ بھی ان کے قبضے میں ہے. تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہے, اور وہ یہی سمجھنے کی بات ہے کہ وہ دباؤ کس طرح سیاسی اخلاقی سفارتی نیم عسکری اور عسکری دباؤ میں اکثر اس ملک میں یہ دو آخری الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے, میں کرتا ہوں اور کر رہا ہوں. آپ نے جب تک بھارت کے کشمیر پر قبضے کی قیمت میں اضافہ نہ کیا, اس کے لیے جسے کہتے ہیں اس کی کاسٹ نہ بڑھائی ہیومن لائف میں, مسائل میں, وہاں تحریک کی مدد کرنے کی شکل میں, ہندوستان کے اندر اس کے اثرات مرتب کرنے کی شکل میں, اس تحریک کو ہندوستان کے لیے یہ ایک قابل قبول صورتحال ہے. اب میں دوسری بات ذرا اعزاز چودھری کے متعلق کہنا چاہتا ہوں, یہ بڑی اہم بات ہے. جو ٹویٹ اس نے دی تھی, کیا نام ہے شنکر نے, اس میں اس نے کہا دو دفعہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا ذکر کیا اس نے, لفظ دہشت گردی کے ساتھ. لیکن جو اعزاز چودھری صاحب ہیں وہ چونکہ اس وقت ان کے قبیلے سے تعلق ہے سرتاج عزیز صاحب کے, تو انہوں نے بھارت کی کلبھوشن کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کے لفظ کے ساتھ ذکر نہیں کیا, بلکہ کہا کہ پاکستان میں مداخلت ہو رہی ہے اور کلبھوشن اس کی ایک شکل ہے. جب آپ یہ میں اس کا سیدھا جواب دے رہا ہوں, جب آپ یہ دیکھیں ہندوستان یہ کہتا ہے پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے, وہ کہتا ہے سرتاج عزیز سے لے کے نواز شریف تو بولتا ہی نہیں ہے, سرتاج عزیز سے لے کر نیچے تک اعزاز چودھری تک جو کہ ملازم ہیں, یہ لوگ لفظ دہشت گردی استعمال نہیں کر رہے ہیں. میں نے پورا بیان 6 دفعہ پڑھا ہے اعزاز چودھری کا جنہوں نے یہاں آگے بریفنگ دی ہے, اس میں لفظ ہے مداخلت پاکستان میں. پاکستان میں ہونے والی کلبھوشن کے ذریعے جو کہ چیف آف آرمی سٹاف نے کہا, میں نے کہا, جنرل صاحب نے, عبداللہ نے سینکڑوں دفعہ کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے. یہ لفظ اگر آپ نہیں استعمال کریں گے خوفزدہ کس بات سے ہیں؟ مذاکرات تو ہو ہی نہیں رہے ہیں. آپ نے آ کر یہ بھی کہا, بڑے اچھے کھانے کھائے, وہاں تصویریں کھچوائیں,
आपकी यादाश्तों में ये बात लिखी जाएगी कि आपने जाकर हिंदुस्तान के सेक्रेटरी खारजा से मुजाकरात किए, लेकिन आपने जो काम किया है वो ये किया है कि पाकिस्तान के मुफाद को एक और दफा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ये दहशतगर्दी का लफ्ज अब हिंदुस्तान के गले के साथ चिपक चुका है। देखिए कुलभूषण जो है वो भारतीय दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है, बिल्कुल एक हमालिया है सबूत का। अगर इस ये किसी को नजर नहीं आ रहा फॉरन ऑफिस में या नवाज शरीफ को नजर आ रहा है, तो आप असल में हिंदुस्तान के मौकफ को, और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ बड़ी तल्ख सी बात दोबारा दोहरा देता हूँ, नवाज शरीफ की पॉलिसी में जो हिंदुस्तान से ताल्लुक रखती है उसमें और पाकिस्तान के सलामती के मुफादात में कश्मीर सियाचिन और सरकड़ी इनमें बरह रास्त साधु में, और यही एक मसला है सर। लेकिन अगर इंडिया के हवाले से बात की जाए और आरपी सिंह जो है उनके फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उन्होंने ये बात कही है कि अगर दोहराया नजर दोहराई जाए इस बात पे कि हमारी हुकूमत ने कितने बार यूटर्न्स लिए, सो वी लॉस्ट काउंट ऑन दैट, हमारी हुकूमत बार बार यूटर्न्स ले रही है। आईएसआई वो कहते हैं कि जी आईएसआई हैज बीन गिवन एक्सेस टू पठानकोट, जी आए वो आके इन्वेस्टिगेट करें, इंडियन साइड को अभी तक वो रसाई भी नहीं हासिल हुई है, अब तक वो नहीं आए। तो इंडिया में वो कंसर्न्स अपनी हुकूमत के हवाले से शो कर रहे हैं, जो कंसर्न्स हमारे हैं हमारी हुकूमत के हवाले से कि जी उस तरह से कन्वे नहीं हो पा रहा, वो मैसेज उस तरह से कन्वे क्यों नहीं हो पा रहा, क्या ऑब्स्टिकल्स और क्या खाइब, किस वजह से है ये? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो ये है कि मैं पीरजादा साहब की बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, मुझे इनकी ये टर्मिनोलॉजी बड़ी पसंद आई, नीम अस्करी और अस्करी दबाव जब तक नहीं बढ़ाएंगे। देखिए माजी में 1988 के अंदर जब कश्मीर के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट उठी, और पॉलिटिकल मूवमेंट भी थी और अस्करी मूवमेंट भी थी, उसके बाद जो है हिंदुस्तान ने ये एग्रीमेंट किया पाकिस्तान के साथ कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे एक दूसरे के हमला नहीं करेंगे। फिर 1991 के अंदर जो है वो एडवांस नोटिफिकेशन की बात हुई कि अगर आप कोई फौजी एक्सरसाइजेस करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तो उसका नोटिफिकेशन होगा। फिर इसी तरीके से 92 के अंदर जो है वो केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल के ऊपर जो है वो कहा गया कि हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे। ये वो तमाम दबाव था जब पाकिस्तान ने उनके ऊपर नीम अस्करी और अस्करी दबाव जो है बढ़ाया हुआ था। अब हालात ये हैं कि हमें ये रियलाइज नहीं कर रहे कि इस टाइम पे जो हम जिस भेड़िए को अपना दोस्त समझ बैठे हैं अमेरिका, उसको हम ये समझ रहे हैं जो कि खुलेआम ये कह चुका है कि हमारा नेचुरल एलाई है अमेरिका, अमेरिका ने कहा है कि इंडिया हमारा नेचुरल एलाई है और हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान को स्ट्रेटेजी जब जरूरत पड़ती है तो वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर लेते हैं, जब जरूरत नहीं पड़ती तो पाकिस्तान को उठा के बाहर फेंक देते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ा डायलेमा है, वहां जो अस्करियत पसंदी है और जो दहशतगर्दी लफ्ज मैं इसको पर जोर दूंगा वो ज्यादा पनप रही है। नथुराम गोडसे जिसने गांधी को कत्ल कर डाला था, वो आज उसकी वहां मूर्तियां बन रही हैं, उसको पूजा जा रहा है, और उसके लोग जो हैं आज हुकूमत में बैठे हैं, और वो लोग जो लिबरल हिंदुस्तान की बात करते थे आज वो कहां नजर आते हैं। इसलिए ये अस्करियत पसंदी हो रही है, ये दहशतगर्दी हो रही है। हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान को तन्हा करने की कोशिश में बैठा है, वो चीन के ऊपर दबाव डाल रहा है कि कुलभूषण के मामले पे जो है वो बात करे, और चाइना ने उसके ऊपर बहरहाल एक अपना मौकफ लिया। लेकिन असल मसला ये कि यहां डायलॉग इसलिए रुक जाता है क्योंकि अवाम जो पाकिस्तान की है और वो इदारे जो पाकिस्तान की नजरियाती और जोग्राफियाई हदूद को जो है वो उनके ऊपर बैठे हुए उनकी निगेबानी करते हैं, हकूमत जो है वो बिल्कुल उसके बरक्स करती है। नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने तो उससे पहले की आप तकरीरें सुन लें, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे तो मैंडेट दिया था हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का। सर पूरी इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान और एक अप्रोच नजर आती है उसके फौरन बाद। एक ब्रेक का मुझे इशारा दिया जा रहा है, ब्रेक के बाद हम इस कुलभूषण के भी मामले पे बात करेंगे क्योंकि भारत की जानब से कहा गया है कि यादव को जो है वो अबडक्ट किया गया था इस्लामाबाद की तरफ से पाकिस्तान की जानब से, और नो स्पाई एजेंसी वुड एवर गिव हिम वुड एवर सेंड इट्स एजेंट विद अ वैलिड पासपोर्ट, दैट्स व्हाट इंडेशन कंटिन्यूज। लेकिन और डायलॉग्स को कंटिन्यू होना चाहिए पर बराबरी की सतह पे होना चाहिए। जल साहब ब्रेक से पहले जो मैंने यादव की बात की, इवन दो के पाकिस्तान ने इसको इस बात को और फॉरेन सेक्रेटरी ने एजाज चौधरी साहब ने कहा कि हमने कन्वे कर दिया अपने कंसर्न्स यादव के मामले को लेकर और जो रॉ की एक्टिविटीज है बलूचिस्तान और कराची में,
इंडियन साइड कहती है कि जी यादव जो है वो उसको पकड़ा गया था, वो पाकिस्तान की जानिब से उसको किडनैप किया गया, उसको पकड़ा और हम कभी भी एक वैलिड पासपोर्ट के साथ अपने एजेंट को नहीं भेजेंगे, येट दे नीड काउंसलर एक्सेस टू हिम। अच्छा लीना, मैं इस पे आता हूँ, मैं एक सिर्फ बात कह दूँ जो पीछे बात कर रहे थे। आज दिन तक जितना निगोसिएशंस के लिए बातचीत करते रहे 2008 का बॉम्बे के वाक़े के बाद, इंडिया पाकिस्तान को गुफ्तगू करने के लिए निगोसिएशन के लिए जो इंडिकेशन देता है वो यूं देता है जैसे इंडिया हमारे साथ एक बहुत बड़ी फेवर कर रहा है, सिर्फ बात करने के लिए। क्या बात होगी वो तो बात की बात है, उसमें भी वो आ जाता है कि जी पहले, और पाकिस्तान यूं लगता है कि हम वी आर बेगिंग फॉर टॉक्स। मेरा ख्याल है ये तमाशा ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर खित्ते में अमन ज़रूरत हमारी है तो हिंदुस्तान की भी है, और अगर हिंदुस्तान भी आज इस मीटिंग में जिसमें एजाज चौधरी गए वहाँ पे ये बात कहता है कि जी निगोसिएशंस के अलावा और कोई हल नहीं है चीज़ों का, तो निगोसिएशंस फिर उसकी भी ज़रूरत है, फिर हम क्यों मेहनत करें। सो हुकूमत को कॉन्सनट्रेट करना चाहिए बातचीत पे नहीं, जो कि उसकी ज़रूरत अगर है तो वो खुद आए, बल्कि जो कोर इशू है उस पर। और कोर इशू क्या है कि आज आपको इतने हिंदुस्तान के जबर के बावजूद कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लहराते नजर आते हैं, इतने जबर के बावजूद कश्मीर में कश्मीरी लड़कियां कौमी तराना हमारा पढ़ती नजर आती हैं, आज उनकी यूनिवर्सिटियों में ये मसला बना हुआ है कि वो वहां पे हिंदू तसल्लत से जान छुड़ाना चाहते हैं और वहां पे फसाद हो रहे हैं उनकी यूनिवर्सिटियों में, और उनका यौम आज़ादी यौम स्याह है उनके लिए कश्मीरियों के लिए। ये वो चीज़ है जिसको हमने जला देनी है, ये वो चीज़ है जिसमें हमने इन्वेस्ट करना है और इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। आपको बातचीत करने के लिए खुद इंडिया रिक्वेस्ट करेगा हमें। सर ये जो लिंक करते हैं इस बात को कि मोदी साहब का दिसंबर का जो विजिट था पाकिस्तान का, ये भी एक राह हमवार करने के लिए था, बड़े नॉर्मलाइजेशन के लिए एक स्टेप था। ये देखें, ये उसकी एक बड़ी मक्काराना चाल थी, और अगर इधर से कोई भोलेपन में हम उसके ट्रैप में चले जाते हैं तो उसने आपको बगैर कुछ दिए आपसे सारा कुछ ले लिया, आपको खामोश कर दिया, आपको ठंडा कर दिया, आपकी पॉलिसी में वो अगर कोई थोड़ी बहुत गर्मी थी तो वो भी ख़त्म कर दी और आप इंडिया के मामले में बिल्कुल शीरो शकर हो गए। ये चीज़ बड़ी नुकसानदेह है। सर तो हमारी हुकूमत इतनी मासूम है? मासूम नहीं, मैं आपको चीज़ बताऊं, आज आपकी लीडरशिप जो है वो आपके कौम के सिक्योरिटी के कोर इंटरेस्ट हैं, उनको देखभाल करने के लिए उनकी निगहदाश्त करने के सिलसिले में नाकाम रही है, 3 साल में डिलीवर नहीं कर सकी इस इशू के ऊपर। सो आज अगर इस हुकूमत की कारगुजारी में फॉरेन पॉलिसी के मामले में देखूं तो आपको यही जवाब देंगे कि जी बड़ी जंगें लड़नी हिंदुस्तान से, तो जंग कौन कहता है, जंग लड़ना एक और किस्सा है। आप अगर जंग नहीं लड़ना चाहते तो जंग ना लड़ें, आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आपकी सिचुएशन बॉर्डर से एस्केलेट हो बॉर्डर के ऊपर, लेकिन ये तो नहीं मकसद कि अगर आपने जंग नहीं करनी तो आप अपने जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं आपके उनको सेक्रीफाइस कर देंगे, उन पर बात नहीं करने, आप उन पर बात करना छोड़ दें तो लिहाजा जंग खत्म हो गई, ये गलत है। आप नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को स्ट्रांगली लेके चलेंगे, डिप्लोमेसी यही होती है कि आप जंग को बचा के अपने कोर इंटरेस्ट के ऊपर आप कायम रहते हैं, वो ये हुकूमत नाकाम रही है। एक चीज, अब आपने कुलभूषण की बात की, ये हिंदुस्तान आपको सब किस्म की कहानियां सुनाएगा कि उसको अगवा किया, उसको पता नहीं कहां से उठा के ले गए। मैं कहता हूं जो कुछ भी किया, मेरा फोकस है जो उसने डिस्क्लोज किया। मैं हिंदुस्तान से कहता हूं कि भाई ये बाद में बात करूंगा, तुम्हें ये सबूत दूंगा कि जी मैंने इसको यहां पकड़ा या वहां पकड़ा, ये वो कह रहे हैं कि तुम मेरे मुल्क में कराते हो, उसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? क्या हमने हिंदुस्तान को कन्फ्रंट किया? ये हुकूमत तो बोली नहीं, एजाज चौधरी जाके क्या बात करेगा जब उसको पता हो कि उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप पूरी की पूरी इस पे माजरा था है। एक यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें के वो आसिम सलीम बाजवा कहानी सुना रहा है सारी कुलभूषण की, प्रवीर ऋषि साहब बैठे हैं, यूं लगता है कि ये सोग में बैठे हुए हैं, इनको दुख हो गया, इनको परेशानी है कि पकड़ा क्यों गया ये आदमी यहाँ पे, वो काम में नजर आते हैं। और यही चीज मुझे नजर आई वहां पर जब इंग्लैंड में जाके पहली दफा मियाँ साहब ने मुंह खोला, उनसे वहां पर सवाल किया उन्होंने किसी साहबी ने कि जी आपके यहाँ इतना बड़ा वाकया हुआ है, कुलभूषण पकड़ा गया, उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा, वो बताएं। आगे से मियाँ साहब यूं जवाब देते हैं जैसे सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, ये वहां पे जवाब दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों को एक दूसरे के मामलात में दखल नहीं देना, मुदाखलत नहीं करना। आदमी उनका यहाँ पकड़ा जा रहा है, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि उसको दखल नहीं देना चाहिए। एक माह में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के 3 खिताब हो चुके हैं। ये चीज जो है ये है, हमारा दुख हिंदुस्तान से बड़ा हमारे अपने लोग हैं, अपने लीडर हैं जो आपको लीडरशिप दे नहीं रहे,
जिनके अंदर वो अहलियत नहीं है लीडरशिप की, जो आपके कौमी मफादात को लेके आगे बढ़ नहीं सक रहे, जिनके अंदर सख्त नहीं है कि जाती मफादात हावी हैं उस चीज के ऊपर कि वो आपके कौमी मफादात की निगहदाश्त कर सके। मसला वहां पे है, प्रॉब्लम यहां पे है। आप दूसरे के साथ दुश्मन तो दुश्मन है, उसने तो आपके साथ वही करना जो दुश्मन को करना चाहिए। ठीक है, बट तारिक भी ज्यादा सर हैव वी मिस्ड द अपॉर्चुनिटी जी कुलभूषण के मामले को जिस तरह से हमें टेक अप करना चाहिए था, हमने एक माह में दो खिताब और तीन खिताब हमने कर दिए पनामा पेपर्स पे, बार बार आवाम को हमें बताने की जरूरत पड़ी कि जी हम आपके लिए ये कर रहे हैं। आवाम अगर आपसे सवाल करें कि रॉ एजेंट का क्या मामला बना, आप उस पर तो नहीं खिताब करते। देखिए फर्क देखें, जब पठानकोट का वाकया हुआ तो नवाज शरीफ साहब ने नेपाल से नरेंद्र मोदी को फोन किया, श्रीलंका में वहां से फोन किया, ठीक है ना, सबको याद है वाकया। उसके बाद जब ये वाकया होता है कुलभूषण का, तो नवाज शरीफ रूहानी के साथ खड़ा हुआ था, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई थी, तकरीबन बात खत्म हो रही थी। दुनिया के अंदर जो तरीकेकार ये है, जब इतने बड़े वाकयात होते हैं तो आप बैनुल अक़वामी, आपके पास स्टेज होता है, उसमें आप ये करते हैं कि फौरी तौर पर एक दो लाइन में अपनी रियासत का मौकफ उस मसले पर बयान करते हैं। रोज सदर ओबामा किसी गैर मुल्की सदर के साथ बैठा हुआ होता है, दो मिनट में अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा किया है जनरल साहब का बतौर सर, उसके बाद वेलकम टू व्हाइट हाउस, उसके बाद कहते हैं ऑल राइट आई एम रेडी टू टेक अप एक्सेप्ट एनी क्वेश्चंस, और उसके बाद जनाब अपने मुल्क की मसाइल पे बातचीत। वो बहुत बड़ा सुनहरी मौका था। उसके बाद अगले दिन जो है वो पूरा जाया हो गया, हालांकि छह वजीरों की एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ इस्लामाबाद में हो सकती थी, जबकि भारत को हम यहाँ शहरक से पकड़ने के काबिल हो चुके हैं। भारत हैज इंडिया हैज बीन कॉट बाय द जियोग्राफर, हम उसको शहरक से पकड़ने हमने पकड़ लिया है, लेकिन हम उसका तस्करा नहीं करना चाह रहे। उससे तीसरे दिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि बाजवा साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी तरफ जनरल साहब ने इशारा किया। लेकिन उसके बाद क्या होना था, उसके बाद तो बीजिंग, वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस, बॉन, बर्लिन, जहां जहां भी आपकी एक बहुत बड़ा हाई पावर डेलीगेशन जो था वो सारे दारुल हुकूमतों में जाना चाहिए था। सब कैसे हो जब आपकी अपनी शुगर मिलों में बंदे पकड़े जाएं? यही बात है। इस वक्त लाइन पे हमें इंडिया से ज्वाइन करा है कर्नल अनिल भट्ट साहब ने, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच कर्नल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो एंड फॉर टेकिंग टाइम आउट। मैं सर आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे मुजाकरात हुए, दोनों साइड से कंसर्न्स जाहिर किए गए, कहा जा रहा है कि जी कोई ब्रेक थ्रू नहीं इसका निकला, लेकिन आगे बड़े होपफुल दोनों साइड्स नजर आते हैं कि जी डायलॉग प्रोसेस को रिज्यूम किया जा सकता है। किस तरह से आप देख रहे हैं इन, 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 इस मुलाकात को? मैं तो ये कह सकता हूं कि गुफ्तगू जारी रहे, होना तो कुछ नहीं है। मुझे जो माफ कीजिएगा, जो पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट का जो रवैया है कि जमीन पे जो कुछ करना है करते जाओ और बाकी क्या कहते हैं स्टेटमेंट जो देनी है वो कुछ और दे दीजिए, ये तो चलते रहेगा। लेकिन कोई भी लेवल पे अगर हम समझते हैं कि टॉक्स के में कुछ निकलेगा, अभी तक तो ऐसी उम्मीद नहीं हमें दिखती। अनिल भट्ट जी, मुजाकरात में जी बाकी हम कईयों का कहना ये है कि गुफ्तगू चलती रहे, कम से कम गुफ्तगू तो बनना हो, लेकिन गुफ्तगू चलने का फायदा क्या है जब जमीन पे गोलियां चल रही हैं? ठीक है, मेरे गेस्ट पैनल भी आपसे सवाल जरूर करेंगे। अनिल साहब, मेरा नाम अब्दुल्ला गुल है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी आपने एस्टैब्लिशमेंट की बात की कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चलने दे रही, तो क्या आप लोगों की जो एस्टैब्लिशमेंट यहाँ अगर कुलभूषण यादव जो है उनको भेजेगी और हाजिर सर्विस जो ऑफिसर्स हैं अगर वो पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के अंदर मुलविस होंगे, तो फिर आप किस किस्म का जो है वो डायलॉग चाहते हैं और किस किस्म के मामलात चलाते हैं जब आप वायलेशन करते हैं यूनाइटेड नेशन के चार्टर की और तिरंगा लहरा देते हैं कश्मीर के अंदर, तो आप किस मामलात की तरफ जो है वो लेके जाना चाहते हैं? कर जनरल वीके सिंह जो है वो पाकिस्तान के अंदर बकायदा एक बटालियन रेज करके अपनी किताब करेज एंड कन्विक्शन के अंदर लिखते हैं कि मैंने ये काम किया, उनको तो आपने हुकूमत के अंदर बिठाया हुआ है, वजारत का ओहदा दिया हुआ है, तो इस पे जरा वजाहत कर दीजिए ताकि हम भी सुन सकें। अनिल जी, और सेल्फ एडमिशन के बाद इन्होंने खुद तस्लीम भी किया है, ये कुलभूषण यादव की बात हो अगर, ये आप देखिए निकालने के बाद जो कुछ चाहिए निकालिए, लेकिन जमीन पे जो बातें जो हरकतें होती रही हैं
उनका फर्ज कीजिए ये 26/11 जो हुआ उस पर हमने कितनी हमने एविडेंस इकट्ठी करके दिए है उसका क्या मतलब निकला? मैं आपको कुछ मतलब नहीं निकला। चाहे पठानकोट में जो कुछ हुआ है काफी तहकीकात की गई उसकी उसके क्या कहते हैं एविडेंस पेश की गई कुछ नहीं हुआ। ये गुफ्तगू चलती रहेगी और चलती रहे तो ठीक है ना चले ना भी तब भी ठीक है। अनिल जी तारिक पीरज़ादा साहब आपसे कुछ तकरीबन 12:30 की बात है 2 तारीख को मैं इंडियन चैनल्स पे आया 5-6 चैनल्स पे एकदम हमने प्रोग्राम किए तो मैंने उस जो बात कही थी वो स्टैंड्स विंडिकेटेड वो सही साबित हो रही है। मैंने कहा था कि दुनिया के किसी भी मिलिट्री बेस पर जो हमला होता है उसके अंदर जब तक अंदर से ताईद और इमदाद हासिल ना हो अंदर से उस वो मिलिट्री बेस के वो हमला कामयाब नहीं हो सकता, उसकी मंसूबाबंदी भी नहीं हो सकती क्योंकि किसी आने वाले को नहीं मालूम कि अंदर की नक्शा क्या है, अंदर के क्या असासे हैं, किन चीजों को तबाह करना है, किन लोगों के साथ मिलकर इसको कामयाब बनाना है। चुनाचे हुआ क्या है, इस वक्त पाकिस्तानी GID टीम गई थी इंडिया, उसने आके रिपोर्ट दी, उसके बाद से इंडिया को चुप लगी हुई है और वो भेजते क्यों नहीं है, शोर मचा दे तमाम दुनिया में अगर इंडिया में जरा सी ध्यानदारी है कि पाकिस्तान पठानकोट के मसले पे हमारे मामलात को छुपाने की कोशिश कर रहा है, धोखा दे रहा है और देखे दुनिया हमारी मदद को आए। आप लोगों का सह चेहरा बिल्कुल साबित सामने आ चुका। एक बात जहां तक कुलभूषण का ताल्लुक है, कुलभूषण के मसले पर हमने आपको शहर से पकड़ लिया है, एक गलीज इंडियन ऑफिसर जो कि 2022 तक आपकी अफवाद का मुलाजिम है वो रो के लिए पाकिस्तान में बिल्कुल हिंदुस्तान के पाकिस्तान की तरफ के लिए सबसे बड़े दहशतगर्दी के बरामद कुनंदे का एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म का किरदार अदा कर रहा है, हमने शख्स को पकड़ा है, आप जरा थोड़ी सी तो माफी मांग लीजिए। अच्छा तारिक कर्नल भट्ट जी, कर्नल भट्ट बहुत कुछ तो मैंने मिस किया है, ये कौन कौन से कुलभूषण की बात कर रही है, जो नेवल ऑफिसर है रिटायर्ड नेवल ऑफिसर जी उसकी बात कर रहे हैं तो सरासर झूठ है, सरासर झूठ है वो। तो कर्नल भट्ट जी इसके काउंसलर एक्सेस पर इंडिया क्यों डिमांड कर रहा है इस तक रसाई? किस पे? ये जो स्पाई एजेंट पकड़ा गया है पाकिस्तान में जो एडमिट करता है उस तक रसाई क्यों चाहिए फिर भारत को? एक्सेस क्यों चाहिए? कहा से कौन सा कहा से आप इस एजेंट आया, कौन सा एजेंट किसकी बात कर रहे हैं आप? अगर आप सर्वजीत को आपको याद होगा जिसको आपने आके गार्ड ऑफ ऑनर दिया था वो तो याद होगा, वो क्या सर हाजिर सर्विस नहीं था? आप क्या बात कर रहे हैं कर्नल साहब? वो या कुलभूषण यादव जो फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर कल एक फोरम पे साथ तमाम इकट्ठे हुए उन्होंने बोला कि ईरान में ये बिजनेस रन करता था। मैं आपका सवाल एक दफा फिर उनकी खिदमत में पेश कर दूं, ये अलीना जो हमारी एंकर है जो बात कह रही है मैं उसकी तारीफ करते हुए जरा खुल के कहना चाहता हूं कि ये कुलभूषण यादव का जिक्र हो रहा है इस प्रोग्राम में जो इस वक्त उनका 2022 तक आपका मुलाजिम है आपकी अफवाज का, और इंडिया ने पाकिस्तान की हुकूमत से कहा है कि हमें अपने ऑफिसर की जात तक रसाई या एक्सेस चाहिए है। आप जरा इस बात पर तबसरा कीजिए, अगर उसकी जात आपके लिए अहम नहीं है और ये सब झूठ है जैसे कि आपने अभी झूठ बोला है तो जरा मुझे बताइए कि रसाई किस लिए चाहिए है? जी कर्नल भट्ट जी अलीना जी मुझे इनकी कोई बात समझ नहीं आ रही, आपको बेवकूफ आप मुझे मालूम हो क्या मेरा ख्याल है जी, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तारिक साहब? कर्नल जी जी ये पता नहीं है कौन से कुलभूषण यादव ने नाम सुना, मैं बाकी मुझे क्या इन्होंने बोला है कुछ मुझे समझ नहीं आया। और ये अगर झूठ की बात करते हैं तो झूठ को तो पाकिस्तान की अच्छा ये सवाल का ये हिस्सा आपको कैसे समझ आ गया और कुलभूषण तक रसाई जो आपकी हुकूमत मांग रही है एक्सेस मांग रही है उस पर आप तबसरा नहीं करना चाह रहे, वो आपको समझ वो जवाब नहीं देंगे। बात इतनी सी है कि चाहे मामलात पानामा पेपर्स के हों तो उसके अंदर हिंदुस्तान क्यों ये कहता है, उनके बाकायदा लोग आके ऑन रिकॉर्ड टीवी पे ये बोलते हैं कि वी हैव इन्वेस्टेड
सो मच इन नवाज शरीफ, हम इसको लेट डाउन नहीं करने देंगे। मैं लेकिन मैं कर्नल भट्ट जी साहब नहीं जवाब दे सकते, उनके पास कोई जवाब नहीं। एक सवाल जरूर इस हवाले से, कर्नल साहब कुलभूषण यादव पे अगर आप तबसरा नहीं करना चाह रहे, लेकिन मैं यूएस डिफेंस सेक्रेटरी एश्टन कार्टर, इसी माह की शुरुआत में इंडिया का उन्होंने दौरा किया, उनसे ये कंसर्न्स का इजहार किया गया आपके ही डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से, मनोहर पारिकर साहब ने ये कंसर्न्स हुकूमत के कन्वे किए एश्टन कार्टर को कि पाकिस्तान क्यों खरीदेगा F-16 फाइटर्स अमेरिका से, अमेरिका क्यों पाकिस्तान को बेच रहा है F-16 फाइटर्स, जिसपे एश्टन कार्टर ने आप बोलते हैं कि आप यूएस हथियार दे आपको आपकी टेररिज्म को लड़ने के लिए, तो जिस तरह के हथियार आप यूएस से ले रहे हो वो टेररिज्म लड़ने के लिए नहीं है। सर आप रशिया से डील्स कर रहे हैं, पाकिस्तान इस पे आपसे सवाल कर रहा है या रशिया से सवाल कर रहे हैं, आपको एश्टन कार्टर यूएस सेक्रेटरी आपसे खुद कहते हैं इस बात का इजहार करते हैं कि हम जो आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, हमने तो दुनिया भर के किसी मुमालिक के साथ वो मुआहदे नहीं किए इस किस्म के। अब देखिए जो एश्टन कार्टर और मनोहर पर्रिकर में हो रहा है, जो बातचीत हो रही है और जो उसका अमल होगा वो देखा जाएगा, लेकिन जहां तक अमेरिका के सवाल है, अमेरिका से बहुत हथियार ऐसे मिले हैं पाकिस्तान को जो पाकिस्तान कहते हैं कि ये टेररिज्म लड़ने के लिए है, वो टेररिज्म लड़ने के लिए नहीं है। अच्छा ये बताइए कि क्या पाकिस्तान ने 1971 के बाद आपके खिलाफ F-16 इंडिया में जाकर इस्तेमाल किए हैं? नहीं नहीं, वो सिर्फ चले एक मुझे ब्रेक का इशारा दिया जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। हमारे साथ किए जाते हैं कि भाई अमेरिका क्यों बेच रहा है इनको F-16 तैयारे, जिस पे एश्टन कार्टर कहते हैं भाई हम तो आपको ऐसी टेक्नोलॉजीज दिए हैं, हमने तो दुनिया भर के किसी मुल्क के साथ इस तरह के मुआहदे नहीं किए जो आपको हम असिस्टेंस दे रहे हैं, क्या कंसर्न सर? और फिर उसके बाद जो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है जो $700 मिलियन देने पड़ेंगे पाकिस्तान को, इसमें 700 मिलियन में बात करते हैं, इसमें इंडिया का कसूर नहीं है, इसमें आपके सामने अमरीका का चेहरा आया हो रहा है, अमरीका का चेहरा पता लग रहा है कि वो आपको कुछ दाना एक दे रहा है लेकिन जो पहाड़ पूरा पकड़ा रहा है वो किसी और को दे रहा है और वो पहले से करता चला आ रहा है। ये तो अकल हमें इस्तेमाल करनी है कि हम अमेरिका पे कितना भरोसा करते हैं, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अमेरिका से ताल्लुकात ना बिगाड़ें लेकिन अपनी डिपेंडेंसी तो ख़त्म कर सकते हैं ना हम उस पर, वो तो कम हो सकती है, उधर सोचना चाहिए। और ये आपको वाजह रहना चाहिए कि इंडिया तो बारसूरत दुश्मन है, उसने तो जो करना ही करेगा, लेकिन अमेरिका जो हमें दोस्त कहता है, जो हमें हमें कहता है कि हम खत्ते में पार्टनर हैं और हमसे इतनी जंग लड़वाई भी हमें धोखा दे रहा है, क्योंकि उसकी भी जो अपनी पॉलिसी है उसमें इंडिया के लिए कैनवस बड़ा है, उसने एक लार्जर रोल रखा हुआ है पूरे खत्ते के लिए, पूरे आप कह लीजिए कि एक दो ओशंस के लिए, एक वो पैसिफिक ओशन में भी उससे चाहता है साउथ चाइना सी में, एक इंडियन ओशन में भी उससे रोल लेना चाहता है और खुद उसके साथ अपनी डिपेंडेंसी रख रहा है जहां उससे लॉजिस्टिक सपोर्ट बेसिस लेना चाहता है। यहां पे कुलभूषण का मामला बलूचिस्तान कराची में जो उनकी टेररिज्म है, अमेरिका उस पे एक साइलेंट स्पेक्टेटर। हां हां, मैं तो बताता हूं ना, देखें ये हमें समझना चाहिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उसमें जस्टिस और इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है, जाती मुफादात ममालिक के अपने हैं जो ओवरशैडो करते हैं, जो ओवररूल करते हैं हर चीज। अब अमेरिका का मुफाद आज इंडिया से है कि वो यहाँ पे इंडियन ओशन में बेसिस लेना चाहता है, वो चाइना को चेक करना चाहता है, इंडिया को खड़ा करना चाहता है इस इलाके में, तो हाँ उसकी वो पॉलिसी गलत हो, जैसे उसकी है पिछले आप जब से ये 9/11 हुआ है 16 साल अमरीका की एक एक पॉलिसी घटिया तरीन और फेल हुई है, नाकाम हुई है। यही वजह है कि दुनिया 9/11 के बाद आज उससे कई गुना ज्यादा आप देख लीजिए कि वो खतरात से लाहक है और वो जो हम कहते हैं ना कि दुनिया अनसेफ हो चुकी है। ये हालात क्या ये अमेरिका की पॉलिसी का नतीजा नहीं है? ये वही, लेकिन वो सुपर पावर वो दोहराना अपनी पॉलिसी को रिव्यू नहीं करना चाहते, यही चीज वो आज कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। ये इसका भी खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा कि चाइना के अगेंस्ट वो इंडिया को खड़ा करना चाहते हैं और यहाँ पे ये नतीजा उसका सारा खमियाजा उसका जो फॉलोअप है वो सारा पाकिस्तान पे आ रहा है। अब पाकिस्तान को ये देखना है कि क्या हम अमेरिका को उसके साथ उसी तरह चलते रहे जिस तरह हम चलते रहे। आज दिन तक आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अल्लाह की रहमत से बावजूद पाकिस्तान में भौंकने वाले हजारों वो ऐसे लोगों को जो ये हमें कहते रहे कि जी आप गुड और बैड तालिबान छोड़ दें और ये कर दें वो कर दें, आज आप फिर भी अफगानिस्तान में रेलिवेंट है, वरना आपको यहाँ पे धक्के पड़ रहे होते इस मुल्क में, आपको इधर कोई आपके आपको मुंह न लगाने के लिए तैयार होता,
یہ وجہ ہے کہ خطے میں آج آپ کی تھوڑی بہت اگر حیثیت ہے تو وہ آپ کی سیکورٹی فورسز کی جو پالیسی تھی ان کی وجہ سے ہے. آج یہی چیز ہمیں امریکہ کے معاملے میں بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ امریکہ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر ہمیں اگنور کر دے گا, ہمیں ڈچ کرے گا ہر جگہ پہ. آپ نے جو سیکیورٹی فورسز کا ذکر کیا, میں ان میں نے ایک بار جو مینشن کی تھی کہ گزشتہ روز انڈیا میں ان میں جو جو مجھے جو اپنی سول جو ہماری حکومتیں ہیں اور لیڈرشپ ہے ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز بڑھے گی. ابھی جو اصل پریشر آپ کے اوپر شروع ہوا آنا اور آئے گا وہ آپ کے نیوکلیئر ویپنز کا ہے جس کے اوپر آپ کے اوپر پریشر آئے گا, کیونکہ انڈیا کو وہ اسٹریٹجک حیثیت یہاں مل نہیں سکتی جب تک آپ کے پاس ایک پورے تھریٹ سپیکٹرم کو ڈیل کرنے کے لیے ایک کاؤنٹر میئر موجود ہے. اگر ڈیٹرنس موجود ہے تبھی وہ آپ سے ایک دو چیزیں لینا چاہتے ہیں, آپ کی لانگ رینج کیپیبلٹی لینا چاہتے ہیں, آپ کے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن لینا چاہتے ہیں تاکہ انڈیا کہیں اپر ہینڈ رہے اور آپ اس کی بات چیت سن سکیں. ایسی صورتحال میں وے فارورڈ میں وہ جو فورم کا ذکر کری تھی جس میں 12 فارمر انڈیا کے اور پاکستان کے ہائی کمشنرز جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے تھے گزشتہ روز نیو دہلی میں ہی, اور ان سے سوال پاکستان کے جو سائٹ کے تمام ریپرزینٹیو سے ان سے سوال یہ اٹھایا گیا کہ اس جنرل راحیل شریف دی ریل رولر آف پاکستان, یہ اس طرح قسم کے سوالات ریز کیے گئے. اب جو جنرل صاحب نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ میجرلی آپ کی جو اس وقت ایک ریپوٹیشن بنی ہوئی ہے اٹس بیکاز آف دیم, بتائیے فرزاد صاحب آگے وے فارورڈ پہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک جو ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی کنٹینیوڈ ڈائلاگ ہو اور ٹرسٹ ریسٹور ہو, ان حالات میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں ایک تو یہ ٹرسٹ وغیرہ کہ جو یوفیمزم ہے نا, یہ جو اصطلاحات ہیں یہ تو گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے ہوا کرتی ہیں کہ ہمیں کانفیڈنس بلڈنگ میجر چاہیے ہیں, ہمیں وہ چاہیے. شملہ سمجھوتے کے اندر تو کہ آخری پیراگراف میں تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کا ذکر نہیں ہے, اس میں تو براہ راست ذکر ہے کہ 1971 کے اس واقعے کے بعد کہ فوری طور پر دونوں ملکوں کے ہیڈس آف اسٹیٹس اسے کیا کہتے ہیں اس مسئلے کو اٹھائیں گے, آپس میں اس پہ بحث شروع کریں گے, اور اس کے لیے دونوں ریاستوں کے جو اعلیٰ ترین افسر ہیں وہ فوری طور پر تیاری شروع کریں گے. یہ شملہ سمجھوتا ہے جس کے متعلق اب سے کچھ سال پہلے تک بڑے تواتر کے ساتھ ذکر ہوا کرتا تھا انڈیا کی طرف سے, اب اس کا ذکر نہیں ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ شملہ سمجھوتے کو ختم کرے تاکہ یہاں پر جو لائن آف کنٹرول کا مسئلہ ہے وہ وہاں پر چلا جائے نا جہاں پہ وہ پہلے تھا. ہم سیسوار لائن پہ چلے جاتے ہیں نا, آپ تھوڑا سا پریشر تو پیدا کریں انڈیا کے اوپر, بات کریں تھریٹ دے کر. ایک بات دوسری میں ذرا سی یہاں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں F-16 کے مسئلے پر. یہ بات سہیل امان کو اور پاکستان کی ایئر فورس کو سمجھنے کی ہے. میں کھل کے کہتا ہوں میرے ملک کے مفاد ہے, میں نہیں کہوں گا تو اور کون کہے گا, ہم سبھی کہہ رہے ہیں یہ بات, اور وہ یہ ہے کہ F-16 کی نفسیات سے باہر آنے کی ضرورت ہے. وقت آ گیا ہے کہ ان پر مل رہے ہیں تو لے لیں, نہیں مل رہے ہیں تو اس پر آپ سال سال محنت کریں. پاکستان کے جو مفادات ہیں سلامتی کے وہ متاثر ہوں گے اس سے. دیکھیں اس وقت ایئر فورس کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے 250 جو فائٹر پلینز ہیں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے, بلکہ تیار ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے لیے, جبکہ انہیں ریپلیس کرنے کے لیے ہمیں فوری طور پر اسلحہ ایئر ایسٹ چاہیے. وہ اس وقت ہمیں بہت تیز کام کرنے کی, اگر ہم آج F-16 کی سیاست میں الجھے رہیں گے, چونکہ امریکہ نے جیسے جنرل صاحب نے کہا یہ مل بھی جائیں تو کون سی قیامت آ جائے گی اور انحصار جو بڑھے گا اور ہماری جو پالیسی ہے وہ تباہ ہو جائے گی. ایک بات, دو بات, تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات کا تعلق ہے, یہ تو یونائیٹڈ اسٹیٹس کا ہے سب لوگ سمجھتے ہیں, انڈیا کے اوپر میں نے شروع میں کہا تھا جب تک آپ اخلاقی سیاسی سفارتی نیم عسکری اور عسکری دباؤ نہیں بڑھائیں گے, اور اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ دیکھیں یہ بجٹ آ رہا ہے اگلا, افواج پاکستان کو کم از کم میری نظریے میں میرے سالا سال کی سوچ ہے یہ کہ جب تک افواج پاکستان کو علیحدہ پروکیورمنٹ کے لیے اسلحے کی خریداری کے لیے $3 ارب سالانہ کی رقم نہیں دستیاب ہوگی, ہم بنیادی طور پر اپنے دفاعی اور جارحانہ جو تیاریاں ہوتی ہیں کسی بھی ریاست کی ان کے لیے مناسب اساسے فراہم نہیں کر سکیں گے. بالکل, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 800 کچھ بلین روپے کا اب اعلان تقریباً ایک اندازن آیا ہے اس کو 11 تک ہونا چاہیے. نہیں کریں گے تو کشمیر سیاچین سرکری صرف باتیں ہوتی رہیں گی. وہ اپنی جگہ پہ آؤٹسٹینڈنگ ایشوز کے طور پر بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ گل صاحب لاسٹ میرے پاس منٹ بچا ہے,
मुझे बताएं, रिचर्ड ऑल्सन ने जिस तरह से कहा कि भाई पाकिस्तान बिल्कुल ठोस इकदाम कर रहा होगा और मुश्किल इकदाम ले रहा है यकीनी तौर पर दहशतगर्दों के खिलाफ, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ वो इकदाम नहीं कर रहा जिससे उसके हमसायों को नुकसान और वो जो उनके हमसायों के लिए खतरे का बायस बने, ये जो डबल पॉलिसी है, फिर F-16 पे आप मुझे जी देखिए, रिचर्ड ऑल्सन जो हैं वो पहले सफीर रहे और बाद में अब स्पेशल एनवॉय चले गए और अफगानिस्तान उनका कंसर्न है। रिचर्ड ऑल्सन साहब जो है वो असल में हमसाये अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, वो यहाँ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि आपके वो जो हकानीज हैं, जो आपकी एक जो आज एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि जी हमने 35 लाख जो है लोगों को यहां जगह दी, क्या 35 लाख ने जो है रूस को नहीं रोका रखा? क्या उन्होंने 13 लाख कुर्बानियां दे के पाकिस्तान की सरहद को महफूज नहीं किया? क्या ये हकीकत नहीं है कि 9/11 के बाद जो हमने यू टर्न लिया और उसके बाद जो है 2600 किलोमीटर लॉन्ग हमने बॉर्डर जो है वो अपने लिए वल्नरेबल करार दे दिया? आज अफगानिस्तान के अंदर ये सिचुएशन है कि अभी जो नया ऑपरेशन उमरी शुरू हुआ है वो मिडल ऑफ रमजान तक चलेगा और उसके बाद ऑपरेशन बदरी शुरू होगा जो नवंबर तक जाएगा। नवंबर में जाके क्योंकि ओबामा का आखिरी टाइम होगा, उस टाइम पे तालिबान बैठने की कोशिश करेंगे। रिचर्ड ऑल्सन साहब और उनकी हुकूमत ये कोशिश कर रही है दबाव डाल के कि किसी तरीके से पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके तालिबान को जो है अशरफ गनी के साथ बिठाएंगे, जो नहीं मुमकिन। अभी आपका सूबा निमरोज, सूबा आपका जो हेलमंद, आपका जो कंदूज, आपका साथ ये जो ताखार और उसके बाद आपका नॉर्थ के अंदर जबरदस्त ऑपरेशन और फिर आपका जो ये है फरा सूबा, उसके अंदर नया ऑपरेशन लॉन्च होने वाला है और जबरदस्त किस्म का ऑफेंसिव आ रहा है अब तालिबान का, और तालिबान नहीं बैठेंगे। जहां तक F-16 की बात आती है, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमें F-16 फोबिया से बाहर आ जाना चाहिए। वजह यह है कि जब हमने F-16 लिए थे उस टाइम पे पाकिस्तान के पास मिसाइल डिलीवरी सिस्टम नहीं था और हमारे पास न्यूक्लियर डिलीवरी के लिए सिर्फ F-16 था क्योंकि वो न्यूक्लियर डिलीवर कर सकता था। आज F-16 के अलावा हमारे पास मींस हैं, बिल्कुल ठीक है, हमारे पास मींस होंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी और गुजारिश कह दूं। देखिए बात यह है कि रिचर्ड ऑल्सन की बात कहीं हमें कतन परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे सवाल हमें करना चाहिए कि आप लोग या अफगानिस्तान जो हमारे उधर बैठे इधर हमला कर रहे हैं उनके बारे में क्या कर रहे हैं। मैं अलीना इसमें आपसे गुजारिश कर दूं कि ये जो पॉलिसीज हमारी हुकूमत बना रही है ये बुनियादी तौर पर फियर की बुनियाद पर बना रही है। We must understand that fear is no policy and surrender is no option. हमने हिंदुस्तान के सामने जितने रास्ते जहाद के हमने रोके, इस्लामाबाद की तरफ आके रोके। F-16 फोबिया से हमें बाहर निकल जाना चाहिए, बट अगर इंडिया कंसर्न जाहिर करे और एक प्रेशर क्रिएट होता है, चीजें कॉम्प्लिकेट होती है, तो हम उसकी वजह से कुछ इस तरह की आप अपने न्यूक्लियर को बेहतर करें ना जनाब, ये न्यूक्लियर सजाने के लिए नहीं है, डिटरेंस के तौर पर सामने लाएं इसको, बताएं। बहुत शुक्रिया हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए और अपना तज्जिया पेश करने के लिए। प्रोग्राम की टीम और अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।